हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि कौशी स्वार्थ जो है असमीका पर आधारित है। यहाँ पर बिंदु ए दिया है जो है और बी दिया है, ठीक है। ये हमारे 3D कोऑर्डिनेट्स हैं, त्रिविमीय जो है निर्देशांक हैं। तो इनके लिए हमें कौशी स्वार्थ असमीका को सिद्ध करना है। तो अब जैसे यहाँ ए और बी बिंदु हैं, तो मैंने अगर इनको मैं ए और बी के रूप में अगर इस फॉर्मूले को लिखूं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कि आई इज इक्वल टू 1 समेशन एन और ए बी इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है, और ए आई और बी आई। फिर ये होना चाहिए लेस देन या इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या लेंगे कि आई इज इक्वल टू 1 समेशन अप टू एन और ए आई का होल स्क्वायर, फिर इनटू इसी तरह से आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के समेशन करेंगे एन तक अप टू एन बी आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो चिन्ह होता है ये समेशन के वो जोड़ के लिए होता है, और एन तक, एक से लेके एन तक करना है। तो एक से लेके एन तक एन कितना होगा, तो इस प्रश्न में हम देखेंगे एन का मान क्या होगा। ये तो हमने यहाँ फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है। ये फॉर्मूले आप अलग से लिख लेना, ये एक तरह से समझ लो आपका रफ वर्क या फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अगर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो निर्देशांक दिए हुए हैं इसमें एक्स वाई जेड, तो तीन तीन बिंदु हैं एक्स वाई और जेड, तो एन का मान हो जाएगा 3। तो एन बराबर 3, ठीक है, तो एन बराबर 3 हो जाएगा। अब पहला बिंदु है ए, तो ए को हम मान लें ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री, तो ये बिंदुओं के मान हो गए, ठीक है। तो बिंदु ए ये दिया हुआ है 0, -1, √3, ठीक है। बिंदु बी दिया हुआ है, उसको मान लो B1, B2, B3, तो ये हो गया -3, 0, 4। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि हमें एक बार जो है पहले ये मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है। तो हम अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के समेशन करेंगे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 3 तक, और ए आई इंटू बी आई का, और इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए वन बी वन प्लस ए टू, देखो ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, ठीक है, एक से लेकर 3 तक कर दिया, 1, 2, 3। किसको करना था, ए बी को करना था, ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री। अब इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ हम होल स्क्वायर लगा देंगे। पॉइंट हमें दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, ए वन की वैल्यू 0, बी वन की वैल्यू -3, तो मैं सीधे रख दूं 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 और 0 इसकी मल्टीप्लाई, ये भी 0, फिर 4 और √3, ठीक है। तो देखो ये 4 हो गया, ये हो गया √3, तो 4 √3, तो हमारे पास ये आ गया, देखो अब, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले में जो यहाँ पे ये स्क्वायर लिया है, स्क्वायर नहीं भी लेते तो भी हमारा जो है वो सॉल्यूशन हो जाता, स्क्वायर की जरूरत भी नहीं होती। तो वैसे अब हम देखें तो इसमें 16 थी 48, ये हो गया 48, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, √3 का 3, 48 वैल्यू आ गई सीधे। तो ये हमारा स्क्वायर लेने से जो है इसका सॉल्यूशन आसानी से हो गया। अब इसको निकालो ए आई का स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 से, यानी पहले से करना है समेशन, कहाँ तक करना पड़ेगा, 3 तक, किसका करना है, ए आई ए का है ना, ए के वैल्यू का, और स्क्वायर करेंगे साथ में, तो ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू ए वन, ठीक है, प्लस ए टू प्लस
ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, ये इस तरह से होगा। तो अब वैल्यू रखो इसकी, ए वन की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, तो ये हो गया 4। इसी तरह से बी आई का निकाल लो, आई इक्वल टू 1 3, ठीक है, बी आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना ये कैसे रखते हैं? ठीक है, तो बी की वैल्यू -3 के वर्क कर लो, 9, 0 का वर्क करा 0, 4 का वर्क करा 16, तो ये आ गया, ठीक है, 25। तो अब हम देखेंगे, तो क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, एक साथ लिख देते हैं, 3 i = 1 से लेके ये हो गया ए आई का स्क्वायर इंटू i = 1 से लेके 3 तक बी आई का स्क्वायर, और यानी 4 गुणा 25, तो ये हो गया 100। तो एक तो ये वैल्यू आई हमारे पास जो कि 48 है, और एक ये वैल्यू आई जो कि 100 है। तो देखो इसका मतलब जो है ये वाला पार्ट हमारा कम है किससे, जो है इस वाले पार्ट से। यही हमें सिद्ध करना था, और यही हमारी होती है कोसी स्वाज एसएमई का, ठीक है। तो यहां लिख देंगे, चूंकि 48 जो है वो हमारा कम हो जाता है 100 से, तो अतः इसको आप कह सकते हो जो है ये हमारी यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, इसको आप कह सकते हो ये हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, आप नीचे लिख लेना, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, इस प्रकार एसएमई का सत्यापन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है अपना, ठीक है, हैंस प्रूव। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के और वीडियोज आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।